पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मिस्टर राजीव, बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरा मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। कमांडर मिलिंद आईएनएस सुमित्रा को रुकने के ऑर्डर्स देते हैं। वो देखते हैं कि एडन पोर्ट को नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिया गया है। यमन के एयर स्पेस को अब सऊदी अरब कंट्रोल कर रहा था और आसमान में मंडरा रहे सऊदी के F-16 फाइटर प्लेन्स रुक रुक कर बॉम्ब्स गिरा रहे थे। हर तरफ धुआं और आग ही नजर आ रही थी। पूरा यमन सऊदी की बॉम्बार्डिंग और सिविल वॉर की वजह से जल रहा था, खासकर की एडन सिटी। कमांडर मिलिंद अच्छे से जानते थे कि ऐसी कंडीशन में बिना सऊदी अरब की परमिशन के और आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो सऊदी की तरफ से परमिशन मिल जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी सऊदी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। इसके बाद कोई रास्ता ना देखते हुए कमांडर मिलिंद सपोर्ट के लिए हेडक्वार्टर्स से कॉन्टैक्ट करने लगते हैं। नॉर्मली इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में जरूरी इंटेलिजेंस देने का काम उस देश के डिप्लोमैट्स का होता है, लेकिन येमेन में मौजूद इंडियन डिप्लोमैट्स येमेन के कैपिटल सना में, जो एडन पोर्ट से लगभग 400 किलोमीटर दूर थी, इसलिए येमेन में मौजूद इंडियन डिप्लोमैट्स कमांडर मिलिंद की किसी तरह से मदद नहीं कर सकते थे। तभी कमांडर मिलिंद को हेडक्वार्टर से एडन में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के स्कूल प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट से ऑनररी कंसोल की पोस्ट भी मिली हुई थी। कमांडर मिलिंद तुरंत इस प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर डायल करने लगते हैं। दो तीन बार नंबर डायल करने के बाद कॉल कनेक्ट हो जाती है और वो प्रिंसिपल कॉल को पिक कर लेता है। कमांडर कॉल पर प्रिंसिपल से कहते हैं कि मैं अपने क्रू को एडन पोर्ट की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दे रहा हूँ। इतने में कॉल के दूसरी तरफ मौजूद प्रिंसिपल कहता है कि कमांडर, शाम को 5 बजे के बाद कुछ भी करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है सनसेट के बाद बोट्स का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। रात हो चुकी थी लेकिन अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया था, इसलिए और देर ना करते हुए कमांडर मिलिंद अपने 8 मार्कोस कमांडोज की टीम को एडन पोर्ट की तरफ बढ़ने के ऑर्डर दे देते हैं। मार्कोस कमांडोज की टीम आईएनएस सुमित्रा के चारों तरफ नजर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। आईएनएस सुमित्रा में सवार हर एक सेलर ये बात अच्छे से जानता था कि इस एरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स की कोई कमी नहीं है और ये टेररिस्ट ग्रुप किसी भी विदेशी शिप पर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, इसलिए लोग बड़े ही धीरे धीरे और चुपचाप तरीके से एडन पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद 8 मार्कोस की टीम पोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां चारों तरफ अच्छे से छानबीन करने लग जाती है। अब अच्छे से छानबीन करने के बाद मार्कोस कमांडोस का टीम लीडर कमांडर मिलिंद को रेडियो पर बताता है कि सर, अभी तो यहाँ पोर्ट पर सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगले ही पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें जो भी करना होगा वो जल्दी करना होगा। मार्कोस टीम से सिग्नल मिलते ही कमांडर मिलिंद आईएनएस सुमित्रा को एडन पोर्ट की तरफ ले जाने के ऑर्डर्स दे देते हैं और इसी के साथ आईएनएस सुमित्रा जलते हुए नरक की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अभी आईएनएस सुमित्रा एडन पोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर ही थी कि तभी कमांडर मिलिंद को मार्कोस टीम लीडर से मैसेज मिलता है कि उन्होंने पोर्ट पर कुछ इंडियन सिविलियंस को ढूंढ लिया है जो अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर्स में छुपे हुए थे। अब पोर्ट पर मौजूद इंडियंस की संख्या लगभग 300 से 350 के आसपास थी, जो कि आईएनएस सुमित्रा की कैपेसिटी से कई ज्यादा थी। रात को 8 बजे के आसपास कमांडर मिलिंद आईएनएस सुमित्रा के साथ एडन के पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही पोर्ट का एक ऑफिसर उनके पास आता है और कहता है कि आप अपने सिविलियंस को जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाओ, आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम है। अब कमांडर मिलिंद अच्छे से जानते थे कि इतने लोगों की अच्छी तरीके से चेकिंग करके शिप में चढ़ने में कम से कम 45 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। इसके बाद कमांडर मिलिंद अपने क्रू को डेक पर बुलाते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। कमांडर मिलिंद कहते हैं, जेंटलमैन, इस मिशन पर हमारे देश का सम्मान लगा हुआ है, ये सब हमारे लोग हैं और अभी अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। इन सब लोगों को अपना घर, दुकान, प्रॉपर्टी सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। इनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी हैं, तो हमें इन सब को बहुत ही कम टाइम में यहाँ से बाहर निकाल कर लाना होगा, लेकिन हमें इनके साथ प्यार से बिहेव करना है। कोई इन पर चिल्लाएगा नहीं और ना ही इन्हें धमकाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद कमांडर मिलिंद जोश भरी आवाज में अपने क्रू से कहते हैं, जेंटलमैन, लेट्स
ब्रिंग आवर पीपल होम, और इसी के साथ सिविलियंस को शिप पर चढ़ाने का काम शुरू हो जाता है। तो क्या कमांडर मिलन सारे इंडियंस को घर वापस ले आ पाएंगे? क्या आईएनएस सुमित्रा के साथ होगी कोई अनहोनी? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं यश।